हेलो फ्रेंड्स, आज ट्रिपल एससी ने क्लर्क के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कार्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, किसी को अभी तक नहीं किए हैं। तो गाइस, जिन्होंने नहीं किए हैं वो टेस्ट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। गाइस, मैं रवि मेहरा इस वीडियो में आपको टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ चर्चा करने आया हूँ। तो इसमें गाइस क्या है, सबसे पहली बात तो जिन भी कैंडिडेट्स का टाइपिंग टेस्ट 21 तारीख को है पहली शिफ्ट में, उनके पास एक ही महीना है। आपको कोई भी बताने वाला नहीं है कि टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा। तो गाइज, आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करके जाना है। आप उस दिन तो बाहर आकर सबको बता दोगे कि टेस्ट ऐसा आया था, और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, पर आपको तो पूरा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो गाइज, अब टाइम आ गया है, अपने दिन के मेजर हिस्से को टाइपिंग टेस्ट को दीजिए, टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, और अगर अब सब कुछ अच्छा किया तो आने वाले समय में ये आपका जॉब में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब बात ध्यान देने की ये है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, या फिर कुछ आपके सर्कल में भी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से बचें। खासकर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे कुछ कहते हुए मिलेंगे कि यार कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी, तुम्हारा नंबर तो आना ही नहीं। कोई ये भी कहता मिलेगा, यहाँ तो करप्शन होता है भाई, तुम्हारा नंबर आना ही नहीं है। कोई और भी चीजों के साथ आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। गाइज, यार कह सकता है तुम्हारे नंबर कम है। मैं कहूंगा गाइज, अभी एक टाइपिंग टेस्ट की जो स्टेज है इसमें आपने और कुछ नहीं सोचना है। आप फिलहाल इस स्टेज को पार करने की सोचें। भविष्य में आपका कहां जाके स्टैंड बनता है फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो बाद की बात है। अभी करोगे तभी तो फाइनल लिस्ट में जाओगे, इसीलिए अपना बेस्ट करें। अब गाइस, कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार कमेंट में मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैं उसको लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये लाटर साहब पूछते हैं कि जो लाइन लिखते हो फुल स्टॉप आता है तो कितना स्पेस लगाना है। ब्रदर, कोर्ट में आपको सिंगल स्पेस लगाना है। अब ध्यान दें, एक आता है अगर कोई लाइन या वर्ड मिस कर दोगे कोर्ट के टाइपिंग टेस्ट में तो क्या होगा। गाइज, अगर कोई वर्ड मिस करोगे, लाइन मिस करोगे, तो गाइज वो मिस्टेक कंसीडर करी जाएगी। अगर 10 वर्ड थे उस लाइन में तो वो 10 के 10 मिस्टेक माने जाएंगे। अगर आप लास्ट वर्ड टाइप कर रहे हो और लास्ट वर्ड टाइप करते करते आपका आधा ही वर्ड टाइप हुआ और टाइम खत्म हो गया, तो वो मिस्टेक माना जाएगा, ये बात भी ध्यान रखें। इसके बाद क्वेश्चन जो आता है वो स्प्रेडशीट्स के रिगार्डिंग काफी बार आता है, सर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज, मैंने इसके ऊपर बहुत पहले से एक PDF बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है टाइपिंग टेस्ट स्प्रेडशीट 1 और 2 के, उससे मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रखे हैं, आप जाकर वो वीडियो देख के भी पूरा अंदाजा लगा सकते हैं। चाहते हो आप PDF तो PDF भी डाल रखी है, लिंक में जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, पासवर्ड मैं आपको कुछ समय बाद सेंड कर देता हूँ, 5 से 10-15 मिनट बाद पासवर्ड सेंड कर देता हूँ। अब गाइस, एक क्वेश्चन और आता है कि स्प्रेडशीट में जो MS Excel यूज होता है वो कौन सा होता है। गाइस, 2007 या 2010 का ही यूज होगा, इससे अबव ये यूज नहीं होगा। तो गाइस, सिंपल सी बात है, टाइम आपका है, आपने इसको कन्वर्ट करना है अपने सिलेक्शन में। फिर भी आप सभी के मन में अगर कोई डाउट है, कोई मेजर डाउट है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, तो आप मुझसे टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली 5:30 से 6:30 आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8222831856। बट ध्यान रहे गाइस, ये 1 घंटा है, इससे ना पहले ना बाद में, और अगर नंबर बिजी आता है तो यू हैव टू वेट। तो गाइज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज, यूज दिस टाइम एंड कन्वर्ट this time into selection. Bye-bye. Take care.